अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ समीउल्लाह खान, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। आज हम ई लाइब्रेरी मियांवाली में आए हैं और चलते हैं ई लाइब्रेरी मियांवाली में और देखते हैं कि मियांवाली के लोगों को ई लाइब्रेरी मियांवाली से क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है। सर आपका तारुफ़ जी। मेरा नाम कैसर शहजाद खान है और मैं स्पेशल एजुकेशन में एज ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जॉब करता हूँ और यहाँ पर हमने सिस्टम शुरू किया है, कोर्सेज हैं वो हमने स्टार्ट किए हैं और ये चार वो हमने कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जिनकी जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है उस पर बहुत ज़्यादा काम है या स्कोप है। एक कोर्स है वर्डप्रेस का जिसमें हम वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, एक ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का और वेब डेवलपिंग का, ये चार हमने कोर्स रखे हैं। इसकी कोई फीस नहीं है। हमने यहाँ पे एक तो सिखाने यानी कि एकेडमी पढ़ाने पे और दूसरा इनका प्रैक्टिकल, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल कराने का मकसद ही यही है कि ये जब यहाँ से कोर्स करके जाएं तो घर बैठे ये अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। टाइम हम छुट्टी में वेस्ट करते हैं, वो उनको चाहिए कि वो यहाँ पे आएँ और कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएँ। डेवलपिंग है, रेड एप्लीकेशन भी काम है, वर्डप्रेस है, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इधर मतलब कि एक प्रॉपर माहौल मिला ई लाइब्रेरी में। यहाँ पे इंडिविजुअल तवज्जो मिल रही है और दूसरा हमें प्रोफेशनल वर्किंग सिखाई जा रही है। वहाँ पे जैसे हम कोर्स वर्क सीख रहे थे और यहाँ प्रोफेशनल वर्किंग, फ्रीलांसिंग वगैरह सारा कुछ सीखेंगे, इसलिए हमने इस चीज़ को प्रेफर किया। मैं गवर्नमेंट गर्ल मॉडल हाई स्कूल से आई हूँ। यहाँ पे हम लोग बेसिक आईटी का कोर्स करने आए हैं और लैंग्वेज कोर्स करने आए हैं इंग्लिश। जहाँ पर माहौल बहुत ही अच्छा है, एयर कंडीशन रूम्स हैं, वहाँ पे हम घर पे बहुत सारा शोर शराब होता है सिटी में, तो यहाँ पे एक आराम सुकून सा है जहाँ पे हम स्टडी पे अपना सही तरह से ध्यान दे सकते हैं। घर पे जो अच्छे से काम नहीं हो सकता वो हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मतलब स्टाफ जो है बहुत ही अच्छा है, हर चीज़ में कोऑपरेट करता है। माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा स्टेप है मियांवाली के लिए, यहाँ से गर्ल्स स्पेशली गर्ल्स को मौका मिल रहा है यहाँ से प्रमोट होने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ई लाइब्रेरी मियांवाली मुख्तलिफ मौके पर फ्री कोर्सेज का इजरा करती रहती है जिनमें स्पोकन इंग्लिश है, IT बेसिक है और इसके अलावा अभी हमने समर वेकेशंस को देखते हुए तो टीचर्स के साथ वेल कोलैबोरेट करके यहाँ पर जो है वो समर क्लासेस का इजरा किया ताकि नौजवान जो छुट्टियाँ हैं उनमें जो है अच्छी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, फ्री लंचिंग की तरफ आएँ और हम जो कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे बहुत सी फैसिलिटेशन है, तो यहाँ पे जो लैब्स हैं वो भी काफ़ी फैसिलिटेटेड है। अम्यूजमेंट के लिहाज से नहीं, हम लोग यहाँ पे काफ़ी जो है नॉलेज गेन कर सकते हैं। जो हम बुक से पढ़ते हैं ऑब्वियसली कन्फ्यूजन होती है, सबको सब तो नहीं पता होता, वो मेरा ख्याल है वहाँ पे हमें नोट करना चाहिए। देन वी हैव टू कम टू इन लैब एंड सर्च फ्रॉम द गूगल, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस। सो मैं पर्सनली यही करती हूँ, सो आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल है। टीचर्स के बारे में आपका क्या कहना है? टीचर बिल्कुल अच्छे हैं, हर चीज़ में कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं। मैं पहले यहाँ पे इंग्लिश कोर्स करती थी और अब IT बेसिक कर रही हूँ। स्टूडेंट BS केमिस्ट्री से होता है, कोई बिजनेस से होता है, कोई उर्दू से होता है, कोई इंग्लिश से होता है, क्या वो भी ये काम सीख सकते हैं? सर ये बात तो मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आप मतलब कितना पिकअप कर रहे हैं एक चीज़ को। इससे पहले भी कोई कोर्स? जी, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी किया है हम लोगों ने। IT में आप क्या कुछ यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है? MS Word और पावर पॉइंट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, उसके अलावा हम लोगों ने विंडोज के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फिजा। कहाँ से आई हैं आप? मियांवाली। कौन से स्कूल कॉलेज से? एक्सपीरियंस ग्रुप ऑफ कॉलेज। आप पे आपके जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ट हो रहा है काफ़ी। मियांवाली के लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहिए? मियांवाली के लोगों के लिए ये एक बेहतरीन चांस है कि यहाँ पे आएं और यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। मेंबरशिप सर आपकी बिल्कुल फ्री है या उसकी कोई फीस होती है? यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज़। मेंबरशिप के लिए हमें सिर्फ रिक्वायर्ड होता है एक आईडी कार्ड का और एक पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए होती है। फॉर्म भी यहीं पर मिल जाता है, फिलअप करके विद इन मिनट आपको मेंबरशिप नंबर अलॉट कर दिया जाता है। उसमें ये होता है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है मेंबरशिप हासिल करने के बाद आप लाइब्रेरी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, चाहे कि आप जहाँ पे कंफर्टेबल फील करती हैं, क्योंकि यहाँ के मियांवाली का माहौल है कि आपको अलहदा कमरे दिए गए हैं, क्योंकि ये लाइब्रेरी सिस्टम होता है जहाँ पे को एजुकेशन होती है, तो क्या आपके लिए कुछ ऐसा निज़ाम बनाया गया है यहाँ पे? जी जी, हर लिहाज से हम लोगों को सेपरेट रूम हम लोगों को दिए गए हैं और वैसे भी काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी इंतज़ाम है। आप जहाँ पे कंफर्टेबल फील करती हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों की राय होती है कि इधर नहीं जाना चाहिए क्योंकि को एजुकेशन है, लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो सब के लिए सेपरेट रूम है, बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग रूम है, तो काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है, काफ़ी कोऑपरेटिव सर हैं, सर उमर स्पेशली। ई लाइब्रेरी मियांवाली के हवाले से आपके क्या रिव्यूज़ हैं?
ग्रेट जॉब, बहुत 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 अच्छा माहौल है, और ख़ास तौर पर मियांवाली की गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि इतना फ्रेंडली माहौल आज तक मुझे नहीं लगता कि मियांवाली में किसी ने प्रोवाइड किया हो। मेरे कैंपस में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने आया हूँ। हमने आज HTML तकरीबन कंप्लीट कर लिया है और उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से हमें ट्रेन कर रहे हैं। सही है। और ट्रेन करने के बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक तो मियांवाली का माहौल बहुत कंजर्वेटिव है, तो इस माहौल में इतना अच्छा मतलब एक गाइडिंग इंस्टीट्यूट बनाना बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे ये नहीं होता सिर्फ कि आपको क्लास दी जाती है, अब जो हमें सर लेक्चर डिलीवर करते हैं अगले दिन वो मतलब प्रैक्टिकली हमसे कराते हैं, मतलब हमें खुद करवाते हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ, आप आएँ, आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ, अपनी नस्ल को, आने वाली नस्ल को एजुकेट करें, ताकि आइंदा मियांवाली पसमानदा ज़िला है वो पसमानगी से निकल कर एक तरक्की याफ्ता ज़िला की तरफ स्टेप ले सके।